अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट कस्टमर वन ऑफ एक्सरसाइज 12.1। कस्टमर वन में आपने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स का आपने एरिया फाइंड करना है। ए पार्ट देखें, इसका लेंथ इसकी 2 सेंटीमीटर गिवन है और ब्रेथ इसकी 4 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये फार्मूला आपने लगाया। लेंथ आपके पास 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपके पास 4 सेंटीमीटर है। अब आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 4 टू टाइम 8 सेंटीमीटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिस वजह से ये स्क्वायर सेंटीमीटर, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। बी पार्ट देखें, इसकी लेंथ आपके पास 6.5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ इसकी 5 सेंटीमीटर है। फार्मूला यूज़ किया हमने सोल्यूशन में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ 6.5 है वो लगाई, ब्रेथ आपके पास 5 सेंटीमीटर है वो लगाई। 6.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 32.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सी पार्ट देखें, लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ब्रेथ इसकी 8 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर, 2 टाइम 16 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। बाकी पार्ट भी हमने सेम इसी तरह करने हैं इसके।